from me. हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड डोंट वरी, जो मैंने स्टार्टिंग में ऐड किया वो हर वीडियो में मैं ऐड नहीं करूंगा। मुझे बस एक कमेंट आया था कि मुझे एक्सरे दिखाओ ब्रो, तो मैंने सोचा एक्सरे दिखाने से बेटर है क्यों ना मैं दो तीन एक्सरे को कंबाइन कर दूं और एंड में एक ब्रूटैलिटी ऐड कर दूं, तो देखने में थोड़ा और अच्छा लगेगा। बस यही रीजन है कि इसे मैंने स्टार्टिंग में ऐड कर दिया था। तो गाइस, आज हम कुछ पैक्स के बारे में बात करने वाले, स्टोर के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले एक और क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूं यार, मुझसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये था कि ओल्ड फोन के प्रोग्रेस को न्यू फोन में कैसे ट्रांसफर करें। तो बहुत ही सिंपल है यार, यहाँ ऊपर में जो आप मेरा नाम देख रहे हैं ना डार्कनेस, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार पांच ऑप्शन आएंगे। अब इन चार पांच ऑप्शन में से जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है चेंज WBID, इस पर आप क्लिक कीजिए तो ये खुल जाएगा। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड मारना है, वही ईमेल आईडी और वही पासवर्ड जो आपने अपने ओल्ड फोन में मारा था और लॉगिन किया था, उसी को यहाँ पे मारना है और लॉगिन करना है। तो जो आपके ओल्ड फोन का प्रोग्रेस है ना, वो आपके न्यू फोन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, अब हम बात कर लेते हैं पैक्स के बारे में। तो गाइस, आज जब मैंने स्टोर को ओपन किया ना, तो मैंने नोटिस किया कि इन दो पैक्स में कुछ अजीब बात है, MK11 डायमंड पैक और स्कारलेट MK11 डायमंड पैक में। अब क्या अजीब है? अजीब ये है ना कि इनके ऊपर कोई भी टाइम लिखा हुआ नहीं है। एंड आपको पता होगा जब भी कोई पैक आता है तो उसमें हमेशा टाइम लिखा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे लाइट आउटवर्ल्ड पैक है, इसमें भी टाइम लिखा हुआ है। एंड इस पैको पैक है, इसमें भी टाइम लिखा हुआ है, बट इन दोनों पे नहीं है। सिर्फ दो ही पैक है जिन पर कभी भी कोई टाइम नहीं आता, वो चैलेंज पैक एंड गोल्ड पैक, एंड इन पर भी नहीं है। अब इसका सिर्फ दो ही मतलब हो सकता है। पहली बात, या तो ये दोनों पैक आपको भी जाने वाले हैं नहीं, या दूसरी बात, तो 4 जुलाई को एक सेल आने वाली है जैसा कि मैंने कहा था, तो पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं दोनों पैक्स के ऊपर सेल आ सकती है। मतलब मुझे यही लग रहा है, क्योंकि हमेशा के लिए रहना ये थोड़ा मतलब हजम नहीं हो रहा है ये बात, ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। तो मुझे जहां तक लगता है ना कि ये दोनों पैक्स सेल पर आने वाले हैं, और अगर ऐसा हो ना तो स्कारलेट MK11 डायमंड पैक मैं ओपन करने वाला हूं, क्योंकि ना मेरे पास स्कारलेट है और ना स्कॉर्पियन है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट मेरे पास एक कॉपी तो हो दोनों की। एंड आप चाहे तो MK11 डायमंड पैक को भी ओपन कर सकते हैं। MK11 डायमंड पैक में चांसेस ज्यादा है डायमंड कैरेक्टर्स मिलने के, करीब 18%, एंड स्कारलेट MK11 डायमंड पैक के अंदर ओनली 10% चांस है, तो चांसेस काफी ज्यादा कम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हीं दोनों पैक्स पर सेल आने वाली है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। या ऐसा पहले भी कभी हो चुका है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया हो शायद, बट पता नहीं आज मैंने ओपन किया तो मुझे अचानक से नजर आया। मतलब एक्चुअली कल रात को ही नजर आ गया था, लेकिन ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कल मैं बैटल 200 के चक्कर में फंसा हुआ था इसीलिए। तो ठीक है यार, आज की वीडियो को फिर यही एंड करते हैं, फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।